हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ जो है आईओ से रिलेटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए दोस्तों, मैं आज जो शेयर को लेकर आया हूँ आपके लिए, इसकी एक वजह है। उसकी क्या वजह है, मैं अभी आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मेरा हमेशा यही तरीका है वीडियो बनाने का। मैं कभी भी अपनी वीडियो में शेयर को छिपाकर बात नहीं करता कि पहले सारी वीडियो खींच दूँ, पकड़ के लंबी खींच दूँ पकड़ के, तब लास्ट में जाके आपको बताऊं कि मैं किस वीडियो के बारे में और किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ, बिल्कुल खुले हो बात करता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ कि मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जिसको उस शेयर में कुछ अच्छा लगेगा तो वीडियो को देखेगा, वरना अपना टाइम बेवजह खर्च नहीं करेगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आईओसी के बारे में। देखिए, इस पर एक मेरी नॉलेज के हिसाब से अच्छा खरीदने का टाइम आ रहा है। देखिए, खरीदने का टाइम तो थोड़ा निकल भी गया, हम लेट भी हो गए खरीदने में, वरना ये मिल रहा था 60-65 रुपये पे, तभी ख़रीद लेना चाहिए था हमें, लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई है। देखिए, इसमें थोड़ी सी एक न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। न्यूज़ क्या है, हर साल का ही ये तरीका है, शेयर ऊपर जाता है नीचे आता है, लेकिन हमें नीचे पर ख़रीदना है, ऊपर पर बिकना है। देखिए, मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप ये देखें। देखिए, मैं आपको मेन चीज ये दिखा रहा हूं, आप सबसे नीचे वाली लाइन देखें, आप ये वाली कंपनी इज एक्सेप्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, इसका मतलब कंपनी अच्छा क्वार्टर पेश करेगी। देखिए, पिछले 2 क्वार्टरों से इसने लगभग, शायद मेरी जानकारी में, इसने डिविडेंड नहीं दिया है। कंपनी लॉस में चल रही थी, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत बढ़ गई, बढ़ चुकी थी। इस वजह से जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं वो डिविडेंड नहीं दे रही थी, बीपीसीएल ने भी नहीं दिया था और आईओसी ने भी नहीं दिया था। अब इसका क्वार्टर अच्छा आने की उम्मीद है, तो हो सकता है कि जल्दी हमको डिविडेंड भी दे, लेकिन मैं हमेशा कहता रहा हूँ, डिविडेंड के लिए कभी भी इन्वेस्ट ना करें। अगर जब आपको प्रॉफिट कमाना है तो महीने 2 महीने पहले, डिविडेंड आने से पहले निवेश करें, तो ही आपको प्रति शेयर उसके अंदर 20-30 रुपये की कमाई हो सकती है, प्रॉफिट हो सकता है और डिविडेंड का लाभ ले सकते हैं। 10 दिन पहले या 20 दिन पहले या 1-2 दिन पहले डिविडेंड के लिए इसमें इन्वेस्ट करना, ये वहाँ बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। चलिए, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कंपनी कब दे सकती है डिविडेंड और कब अनाउंस हो सकता है इसका। देखिए, कंपनी जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड मीटिंग है कंपनी की 31 जनवरी 2023 को, एक्शन डेट जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए 31 दिसंबर ओ सॉरी 31 जनवरी 2023 को कंपनी अपना बोर्ड मीटिंग करेगी और पूरी उम्मीद लग रही है मुझे कंपनी इसमें डिविडेंड का भी अनाउंस कर सकती है। तो चलिए, उसका कुछ चार्ट देख लेते हैं। ये कंपनी का शेयर इस टाइम डाउन ट्रेंड कर रहा है, लो की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और हमारे साथ साथ हमारे लिए तो बहुत छोटी मोटी बात है ये, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इसको इस टाइम गिरा रहे हैं, ताकि गिरने के बाद उसको नए तरीके से, नए सिरे से खरीदें और इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाएं।
हमें भी इसी चीज़ का इंतजार करना है। अभी आप उसको खरीदने की जल्दी ना करें। अगर आपको ऐसा लगे कि शेयर बढ़ना चालू हो गया है तो ख़रीदें। अगर आपको लगे कि अभी गिरना है बाकी है इसका या और गिर रहा है नीचे को, तो इसको अभी ना ख़रीदें, इंतजार करें गिरने का 10 दिन, 5 दिन या एक हफ़्ता, जो भी गिरे। अभी तकरीबन बोर्ड मीटिंग में भी 10-12 दिन का टाइम है। अभी 21 तारीख है और 31 तारीख में बोर्ड मीटिंग है। उसके बाद अनाउंस होगा शायद कि कब डिविडेंड दिया जाएगा। तो आप जब देखें, इस पर नज़र बना कर रखें कि शेयर अब बहुत नीचे आ चुका है, तब उसके अंदर अपनी पोजीशन लें, अपनी होल्डिंग बढ़ाएं, अपने नए सिरे से शेयर को ख़रीदें और प्रॉफिट कमाएं। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इस तरीका की वीडियो बनाते रहता हूँ और इस तरीके की न्यूज़ें लाते रहता हूँ ताकि आप फ़ायदा ले सकें, आपके साथ साथ मैं ही फ़ायदा ले सकूँ। और शेयर मार्केट में काम करने का यही तरीका है, मौके पर चौका मारो। जब आपको दिखाई दे क्या शेयर नीचे गिर चुका है और ऊपर जाने के इसके चांस बनने, तब आप उसमें ख़रीदारी करें। और जैसे आप देखें इसके अंदर आपको 10 से 15 या 20% का प्रॉफिट हो चुका है, तो अपना प्रॉफिट बुक करें और बाहर निकल आएँ। देखिए सरकारी कंपनियाँ हैं, इसमें हमेशा ऐसा ही होता है, 20-30% कंपनी ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।